हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो यू नो व्हाट, आज ना मैं बहुत बोर हो रही थी, जैसा कि हमेशा की तरह। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ करने के लिए है नहीं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। एंड आज मैंने एक एपिसोड देखा रियलिटी शो का, मैं नाम नहीं लूँगी ऑफकोर्स, यू नो द रीजन्स, बट मैंने देखा डांस रियलिटी शो। तो उसमें ना बड़े अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट आ रहे थे, बड़ा अच्छा अच्छा डांस कर रहे थे। एंड उसमें एक चीज़ बड़ी अजीब लगी, एक तो हमेशा की तरह गरीब लोग आ रहे थे, नो हेट अगेंस्ट देम, आई अंडरस्टैंड वो इतने प्रिविलेज नहीं है जैसे बाकी लोग हैं, तो वो अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ते, बट इनको स्कोप मिल जाता आगे आने का, ठीक है, वेल एंड गुड। एंड बहुत अच्छे डांसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ना जो अच्छे डांसर्स, गरीब डांसर्स, ये जो कॉम्बिनेशन होता ना इनका स्टार्ट ही बहुत वियर्ड होता है। आपको पता चल जाता है भाई बंदा ये सिलेक्टेड है, ये कैसे, मैं बताती हूँ। आता है स्टेज पे, खड़ा रहता है, हेलो मैम, हेलो सर, ठीक है, उनकी बातें स्टार्ट होती है। फिर होता है कि सामने वो गीता माँ रहती है, वो पूछेगी कि कैसे हो, क्या हो। वैसे गीता माँ इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, आई हैव मेट हर पर्सनली एंड शी इज सच अ स्वीट हार्ट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यू नो बात करते हैं, देन पता चलता है कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। फिर वो बोलेगा कि मेरी मॉम तो भाई घर घर पे लोगों के लिए आके बर्तन मांझती है, और फिर एकदम सैड सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पापा क्या करते हैं, पापा ऑटो चलाते हैं, फिर सैड सॉन्ग, फिर माँ बाप की तरफ फोकस करेगा। क्या करते हैं सर? चप्पल का काम करता हूँ, कभी बर्तन मांझने के लिए जाती है बंगले में, कभी घर का ही करती है, ऐसा करती है। आप पैसे उदास गरीब वाला मुंह लेके बैठेंगे, चलो समझ में आ जाता है। मेरे को भी बुरा लगता है कि यार एटलीस्ट ही इज यू नो अंडर प्रिविलेज, फिर भी वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। वो उसके माँ बाप बोलते कि ये प्रैक्टिस करता है, छोटे से घर में प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है, सब है। उसके बाद कट टू सीधा उसकी माँ को बर्तन क्यों घसा रहे हो तुम लोग? मतलब तुम्हारा बेटा यहाँ पर डांस कर रहा है और उसकी माँ को उधर जाके तुम दूसरों के घर पे बटन घसाते हुए दिख रहे हो, उसके बाप को उसके घर के पास खाली रिक्शा घुमा रहे हो, क्यों? ये कौन सा तरीका है? ये क्या तरीका है? तुम्हारा बेटा नाच रहा है, यहाँ पर नाचने दो उसको। तुम नाचते हुए बेटे को दिखाने का छोड़ के पहले उसके माँ बाप के घर जा रहे हो, मतलब उस बंदे को वहाँ खड़ा किया है, फिर उससे बुलवाया है, फिर बोला कि भाई तेरा परफॉर्मेंस रोका, हम जाके देख के आते सही में तेरे माँ बाप कर क्या रहे, ये कर रहे हो तुम लोग? या फिर तुम जाके पहले पूछ ले रहे हो भाई तेरे माँ बाप क्या करते हैं, पहले जाके शूट कर ले, तो फिर आके फिर बोलते हो नहीं नहीं अभी तो वापस बता हमको, फिर से शूटिंग करनी, क्या चल रहा है? तुम मतलब इंसान को खड़े खड़े बेइज्जत कर रहे हो यार उधर। मतलब ठीक है, समझ में आता है उसकी मॉम छोटा काम कर रही है, उसके डैड छोटा काम कर रहे हैं, तो उसके डैड रिक्शा चला रहे, तो तुम खाली रिक्शा चलवाओगे उनसे? पेट्रोल इतना महंगा तुमको मालूम है, तो इसलिए तो इस ये ना तुम्हारी रियलिटी शो के चक्कर में ना ये रिक्शा वाले प्राइस बढ़ा रहे, 18 था कहीं कहाँ 9 रुपये था, 9 से 11 हुआ, 11 से 15, 15 से 18, अभी 21 हुआ है, तुमको मालूम है? तुमको क्या, तुम BMW में घूमने वाले लोग, तुम बात करो यार। कंट्रोल कंट्रोल उदय, सी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम जितनी गरीबी दिखानी है दिखाओ, बट बेचारे माँ बाप से काम तो मत करवाओ। कल को वो आके बोलेगा मेरे पापा पत्थर तोड़ दे, तुम जाके उसके साइड पे लेके कैमरा लेके घूमोगे, पत्थर तोड़ते हुए दिखाओगे? कल को उसके पापा बोलेंगे मैं नाला साफ करता हूँ, तुम जाओगे उसके पीछे पीछे उस नाले में? क्या कर रहे हो तुम लोग, या क्या करा रहे हो कंटेस्टेंट से? उसके पापा को पता होगा उसका, मेरा बेटा जाके उधर बताएगा, लोग मेरा काम दिखाएंगे, तो ऐसे तो कोई बाप नहीं। इसलिए इसके लिए तुम लोगों की वजह से ना किसी का बाप ना अपने बच्चे को वो अपना ये करने नहीं देता, सपना पूरा करने नहीं देता, क्योंकि पता है तुम जैसे हरामी लोग जाके आ जाओगे बाप के पीछे पीछे कैमरा लेके, क्या कर रहा है, कचरा साफ कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना वो कर रहा है ना? इसीलिए तुम जैसी लोगों की हरकतों की वजह से आज ना लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।